समाहरणालय के दूसरे तल्ले में शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों से लोग शामिल हुए और अपनी अपनी समस्याओं से उपायुक्त शशि रंजन को अवगत कराया। इस दौरान क्रमवार लोग उपायुक्त से मिले और अपनी अपनी समस्याओं से उनको अवगत करवाया। सर्वप्रथम जनता दरबार में चैनपुर के ग्राम हरभोंगा में रजिस्टर 2 एवं मालगुजारी रसीद ऑनलाइन नहीं चढ़ने के संबंध में आवेदन दिया। इसी तरह पाटन ग्राम किल्हार से आए अजय प्रजापति ने उपायुक्त को बताया कि उनके पिता के नाम पर प्रधानमंत्री आवास प्राप्त हुआ था, जिसके पश्चात उनके द्वारा घर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पिताजी का निधन हो गया, जिसके वजह से उन्हें दूसरी किस्त का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने उपायुक्त से उचित कार्रवाई करते हुए दूसरे किस्त का भुगतान करने हेतु अनुरोध किया। वहीं रेहला से आए राजेंद्र विश्वकर्मा ने अपने लिए रोजगार की मांग की। इसी तरह नौडीहा बाजार के गणेश रजक ने गलत ढंग से किए गए बंदोबस्ती को तोड़ने के संबंध में आवेदन दिया। इसी क्रम में लस्सीगंज के कुंदरी से आई दिवंती कुंवर ने राशन कार्ड बनवाने के संबंध में आवेदन दिया। उपरोक्त के अलावे आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास व म्यूटेशन से जुड़े आवेदन आए, जिसे उपायुक्त ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित कर 15 दिनों के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया।